ग्वालियर में आधी रात को रंगदारी दिखाने के लिए फायरिंग करने वाले सरपंच के बेटे को मुरार पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पिस्टल और कार भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस आरोपी के फरार तीन साथियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि सरपंच के बेटे ने रौब दिखाने के लिए पिस्टल से फायरिंग की थी। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि सीपी कॉलोनी में बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। पकड़े गए युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम रवि गुर्जर बताया है। बताया गया है कि वह अभी भी डीडी नगर में रह रहा है। साथ ही पता चला कि उसके पिता मऊ में सरपंच हैं और पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में पिस्टल व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार बदमाश की जानकारी शुरू कर दी है। शरण भार्गव को ये जो सूचना मिली कि रामलीला मैदान पर एक लड़का जो गाड़ी में है और शराब पिए हुए हैं और फायरिंग कर रहा था, इस सूचना पर तत्काल टीआई के द्वारा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर उसको घेराबंदी करके व्यक्ति को पकड़ा और उसके कब्जे से एक वेपन बरामद हुआ है और राउंड भी बरामद हुआ है और गाड़ी जो फोर व्हीलर थी उसको भी जब्त कर लिया गया है और उसमें पता लगाया जा रहा है कि ये जो वेपन है उसके पास कहाँ से आया है और अन्य भी कोई इसके साथ साथी थे तो उसके बारे में पता लगा।